हाँ 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 हा, हा। ये कहाँ से आ गया हमारा सेंटा बन के? कहां रहे म, मम्मा मेरी मैम ने ना एक स्कूल में एक्टिविटी दिया है जिसमें हमें विदाउट फायर कुकी है कुछ भी आप तो बहुत कुछ बनाते हो आज मेरे लिए भी और स्कूल के लिए भी कुछ बना दो स्कूल के लिए तो कुछ बना दो पर ऐसे सेंटा बनके नहीं बनाऊंगी पहले आप अपना चेहरा दिखाओ गंदा गंदा सा बच्चा देख रहे हैं आप सेंटा बन के घूम रहे हैं और इसके स्कूल में एक्टिविटी है विदाउट फायर कुछ बनाना है तो चलिए आज हम आरब के लिए बनाते हैं विदाउट फायर क्यूट क्यूट से स्नोमैन स्नोमैन यस क्यूट क्यूट स्नोमैन क्यूट क्यूट आरब नहीं है आज आरब बहुत गंदा बना हुआ है देख रहे हैं आप स्कूल में एक्टिविटी है हमें बनाना है क्रिसमस से रिलेटेड तो क्रिसमस आ रहा है बहुत ही कलरफुल से आज हम क्यूट क्यूट से स्नोमैन बनाने वाले हैं विदाउट फायर बिना गैस जलाए बच्चों के स्कूल में कई बार एक्टिविटीज मिलती हैं कि विदाउट फायर कुकिंग के लिए तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आर आपको बनाना सिखाएंगे विदाउट फायर स्नोमैन वो भी बहुत ही प्यारे बनते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को तो स्नोमैन बनाने के लिए हमारा फर्स्ट इन्ग्रीडियंट है खोया मावा और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा का यूज़ किया है और इसी के साथ यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राई पेठा का और ड्राई पेठा भी मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है दोनों को सेम क्वांटिटी में लेना है और अब हम पेठे को अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पेठे को अच्छे से ग्रेटर में ग्रेट कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ खोए का जो हमने पहले से ही ग्रेड करके रखा हुआ था वो हम इसके बीच में ऐड कर देंगे तो क्वांटिटी आपको अच्छे से देख लेना कि दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो मीठा कम ज़्यादा हो जाएगा तो इसी के हिसाब से दो आधा मैंने पेठा लिया है और आधा मैंने खोए का यूज़ किया है और दोनों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे एक पूरा प्रॉपर डो की तरह बनाएंगे हमने अच्छे से हमने इसे हाथों से मिलाते हुए प्रॉपर एक डो की तरह बना लेना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्रॉपर डो की तरह ये बन चुका है और तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डो है हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है अब इसी में से हम थोड़ा सा डो लेंगे और एक इसकी छोटी सी बॉल बनाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम हाथ में अच्छे से इसे गोल गोल घुमाकर इसकी एक छोटी राउंड मैंने बॉल बना ली है और अब हम इसकी बनाएंगे एक दूसरी बॉल जिससे हम क्वान्टिटी थोड़ी ज्यादा लेंगे और वो बॉल बनेगी थोड़ी सी बड़ी इससे एक छोटी बॉल बनाई है और अब जो दूसरी बॉल बनेगी वो थोड़ी सी इससे बड़े साइज में बनेगी तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक हमने छोटी बॉल बनाई है और दूसरी हमने बड़ी बॉल यहाँ पर बना के तैयार कर लिया है और इसी तरह बाकी की हम अपनी बॉल्स को रेडी कर लेंगे और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ग्रेट किया हुआ नारियल मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है और इसके अंदर अपनी जो बॉल बनाई थी उसे अच्छे से हम कवर कर देंगे आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैं अच्छे से हाथों से इसे घुमाते हुए इसके ऊपर नारियल का बूरा डाल रही हूँ और अच्छे से इसे कवर कर रही हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने इसे कवर कर देना है कुछ इस तरह तो बाकी की बॉल्स को भी हम इसी तरह कोकोनट से कवर कर देंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी बॉल्स को हमने अच्छे से कवर कर दिया है और इसी के साथ यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स और थोड़े से चोको चिप्स और यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं चुपा चुप्स का और सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी बॉल और उसको बड़ी बॉल के ऊपर हल्का सा हाथों से प्रेस करते हुए इसके ऊपर लगा देंगे और इसी के साथ यहाँ पर अब हम लेंगे थोड़े से चौको चिप्स और चौको चिप्स से हम इसकी बनाएंगे दो छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी आईज तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ईजिली यहाँ पर इसके बीच में ये लग जाता है और इसी के साथ यहाँ पर मैं लूँगी कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स आप स्प्रिंकल्स नहीं हो अगर आपके पास तो आप जैम्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके हम बनाएंगे यहाँ पर आ, स्प्रिंकल्स को लगा देंगे हल्के से आप हाथ से प्रेस करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये स्प्रिंकल जो है इसके ऊपर लग जाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्प्रिंकल्स लग चुके हैं और अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वही चुपा चुप्स को मैंने तीन लेयर में कट कर दिया है एक ही चुपा चुप्स का यूज़ किया है पर मैंने उनको तीन पार्ट में सेंटर से कट कर दिया है और अब हम इसका बनाएंगे छोटा सा क्यूट सा मफलर कितना प्यारा लग रहा है बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं देखने में तो अब इसकी कैप के लिए हम यहाँ पर कैलॉक्स के चोकोज़ का यूज़ कर रहे हैं ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं तो हम थोड़े से लेंगे चोकोज़ और इसके सिर के ऊपर रख देंगे जो बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी इसकी एक कैप बन के तैयार हो जाएगी तो अब एक और चोको चिप्स में यहाँ पर मैं यूज़ करूंगी और इसका बनाएंगे हम छोटा सा क्यूट सा फे मुंह तो यहाँ पर हमने इसका मुंह बना के तैयार कर दिया है और बाकी के हम अपने स्नोमैन भी इसी तरह तैयार कर लेंगे तो चलिए चलते हैं बाकी की डेकोरेशन के लिए अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट से आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे से हाथ बनाए हैं जो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं देखने में तो अब हम इसके यहाँ पर हैंड जो है इसके हाथ लगा देंगे और अच्छे से बीच में प्रेस कर देंगे बहुत ही इजीली लग जाते हैं और अब हम इसके ऊपर करेंगे स्नो की बारिश स्नो की बारिश में यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट का कोकोनट की बहुत सारी इसके ऊपर बारिश करेंगे जो बहुत ही क्यूट से स्नोमैन है हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसे बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्यूट से स्नोमैन बनाकर तैयार कर, कर दिए हैं और इसमें हमने सारी ऐसी चीज़ें लगाई हैं सारे ऐसे इन्ग्रीडियंट लगाए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं हमने यहाँ चिप्स का यूज किया है कैलॉग का यूज किया है स्प्रिंकल्स का यूज किया है चुपा चुप्स का यूज किया है तो सभी इनग्रीडियंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो देखो आरव मैंने आपके लिए बनाए हैं बहुत ही क्यूट से स्नोमैन कैसे लग रहे हैं ये मम्मा ये तो बहुत सारे अच्छे स्नोमैन आपने बनाए है ये बहुत टेस्टी भी लग रहे हैं, देखने टेस्टी लग रहे हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाए हैं तो आप भी अपने घर पे बनाएं बच्चों की एक्टिविटी में बच्चों की एक्टिविटी में क्या क्रिसमस आ रहा है घर पे बनाएं बच्चे खुश हो जाएंगे गेस्ट के आगे रखेंगे गेस्ट खुश हो जाएंगे तो इस क्रिसमस पे आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके जरूर बताए आप सबको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं हैप्पी क्रिसमस